पंचांग के अनुसार आज यानी 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शुभ होता है, लेकिन ये दिन शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर महादेव की पूजा के साथ साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस खास मौके पर तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर भोले शंकर की सेवा भक्ति में लीन हैं। ये झलकियां बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आ रही हैं, जहां कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ बोलबम के नारे लगा रहे हैं। हम कांवड़ लेके आए हैं, बाबा महाकाल से बहुत मिलने का मन था। पैदल यात्रा है कांवड़ लेके, हम बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल के श्रावण शिवरात्रि में, और हम चाहते हैं कि बाबा सभी को अच्छे दर्शन हो, सबका अच्छा हो, मंगल हो। मैंने फर्स्ट टाइम भस्म आरती अटेंड करी है, इट वाज मेस्मराइजिंग, आई थिंक सबको करनी चाहिए। आपने क्या प्रार्थना करी सब? प्रार्थना भगवान को थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए और जो दिया है उसके लिए। श्रावण मास जो है वो भगवान शिव का महीना और मास कहलाता है। इस महीने में जो भी चातक लोग, जो भी भक्त लोग भगवान शिव की आराधना पूजा करते हैं, उनको कई कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस महीने में प्रथम दिन से लेकर पूर्णिमा तक जो भी सेवा करेंगे उनको पूर्ण फल की प्राप्ति रहती है, पर लेकिन बीच में ग्यारस भी आती है, प्रदोष भी आता है, महीने की एक शिवरात्रि भी आती है। तो जो ये शिवरात्रि, सावन की जो शिवरात्रि आती है, उसका पुण्य और उसका महत्व इतना ही होता है जो वर्ष की शिवरात्रि होती है। जो वर्ष में जो शिवरात्रि का पर्व होता है, वैसे ही इस शिवरात्रि का महत्व होता है। इस दिन जो भी भक्त भगवान की शिव आराधना करते हैं, अभिषेक अर्चन करते हैं, बेलपत्र अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं यदि अधिक से अधिक मात्रा में, तो उसको कई गुना हर वस्तु का, हर पुण्य प्राप्त उसको मिलता है। इसलिए शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। भक्तगण भोले की भक्ति में लीन दिखे। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा है। सावन शिवरात्रि पर लोग भोले के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात है। आज जलाभिषेक होता है और जल से ही भोलेनाथ प्रसन्न होते और उनको ठंडक पहुंचती है। जब बाबा विश्वनाथ ने विष को पान किया था, उस समय उनके शरीर में बहुत ही जलन टाइप का उत्पन्न हुआ। तब से ही मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को जल और उनके गले में जो सर्प देखे हैं, आप लोग देखते हैं, वो भी ठंडे का प्रतीक है, जिसके कारण वो सर्प धारण करते हैं। और आज के जो कवड़िया लोग हैं, जो पैदल यात्रा आते हैं, और बाबा के जितने भी भक्त आते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उनका जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है, और काशी में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि स्वयं काशी में बाबा विश्वनाथ और माँ पार्वती आए हैं और यहाँ भ्रमण किए हैं, और यहाँ पर रहकर अब स्वयं उनके दी हुई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं ज्ञानवापी कूप है, जो कि स्वयं बाबा विश्वनाथ ने माँ पार्वती के प्यास बुझाने के लिए स्वयं निर्माण किया है। ऐसे ही अनेकों मान्यताएँ हैं। तो इसलिए आज का दिन जो महाशिवरात्रि का है, आज के दिन सभी लोगों को जल और बेलपत्र बाबा विश्वनाथ को, या कहीं भी हैं, किसी भी मंदिर में हैं, उनको चढ़ाना चाहिए। आज के दिन का बहुत ही महत्व है और बहुत ही पुण्य है। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हरिद्वार में भोर से ही भक्त शिवालय के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और शिव शंकर के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिर अंदर पहुंचकर भक्तगण शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते दिख रहे हैं।
आपको बताते चलें कि 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा का समापन सावन शिवरात्रि यानी आज होगा। इस दौरान सभी कांवड़िए गंगा तट से लाए हुए जल को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इस दिन पूजा करने से यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं कुछ लोग घर या मंदिरों में शिव जी की पूजा करते हैं।